दोस्तों चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियाँ जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आप भी करेंगे ये तीन काम तो जीवन में कभी भी आपके पास धन की कमी नहीं होगी। कौन से हैं वो काम, आइए चाणक्य नीति के अनुसार आपको बताते हैं। दोस्तों चाणक्य की चाणक्य नीति कहती है, भौतिक युग में धन व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने वाला प्रमुख साधन है, इसलिए हर व्यक्ति धन के पीछे भागता है। धन को प्राप्त करने के लिए हर इंसान सात समुंदर पार भी जाने के लिए तैयार रहता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार धन की चाहत कल्पना मात्र से ही पूरी नहीं होती। चाणक्य कहते हैं, धन के लिए व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। सही मार्गों पर चलकर जो व्यक्ति धन अर्जित करता है उसे लक्ष्मी जी के साथ ही माता सरस्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। धन के मामले में चाणक्य की इन बातों पर गौर जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं तीन बातों के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे। नंबर एक, आज के काम को कल पर ना टालें। आचार्य चाणक्य के अनुसार धन उस व्यक्ति से बहुत दूर चला जाता है जो आज के कार्य को कल पर टालता है। आलस सफलता में सबसे बड़ी बाधा है। आलस करने वाला व्यक्ति कभी धनी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आलस के कारण अवसरों को खो देता है। इसलिए आलस का त्याग करें। सफलता और धन केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो सदैव कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। नंबर दो, गलत आदतों से दूर रहें। दोस्तों चाणक्य की चाणक्य नीति कहती है, व्यक्ति को गलत आदतों से हमेशा दूर रहना चाहिए। गलत आदतें व्यक्ति की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा होती हैं। गलत आदतों के कारण व्यक्ति अपनी प्रतिभा का नाश करता है। दूसरे लोग उसका अपने स्वार्थों के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं होता है। नंबर तीन, किसी का अनादर ना करें। दोस्तों आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान नहीं करता ऐसे लोगों से लक्ष्मी जी नाराज होती हैं और उस स्थान को छोड़कर चली जाती हैं। किसी भी व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। जो मानव हित के बारे में सोचे और हर व्यक्ति को सम्मान दे, ऐसे व्यक्ति सदैव ही सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोजाना इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।